वेलकम्स टू मॉडल टी। आज हम करेंगे सिक्स्थ एक्सरसाइज। देखिए, कुछ इस तरीके से हमारी ये जो ड्राइंग है ये दिखेगी। ये इसका 3D मॉडल है जो आप देख सकते हैं अभी, और जो ड्राफ्टिंग है इसकी वो मैंने यहाँ पे शो कर दी डिटेलिंग। और इसी को हमें क्रिएट करना है हमारे सॉफ्टवेयर ऑटोकैड में। सबसे पहले मैं इसका बनाऊंगा फ्रंट व्यू, जो कि है ये। और यहाँ पे हमें देखिए 25 और 140, इसका क्या बनाना है, हमें एक रेक्टेंगल बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। और यहाँ पे टॉप पे क्लिक करा मैंने, आ गए इसके पास। लाइन ले लेते हैं, ऑर्थो मोड ऑन कर लेते हैं। ये हमारा 25 है, ये हमारा 140 है, ठीक है। अगेन 25 और 140, यहाँ तक हो चुका है। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये हमारा बन चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे ये वाली जो डिस्टेंस है आप देख सकते हो, ये 155 है। अब 155 है, ये 25 है, ये 20 है, तो 25 और 20 हो गए 45। और 45 को अगर 155 में से अगर आप माइनस करोगे, ये 155 माइनस 45, ठीक है, जो अमाउंट लेफ्ट बचेगा वो कितना बचेगा, 110 बचेगा, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो गई, 110। फिर ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही करते हैं, यहाँ पे लाइन ले ली मैंने 10, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पे, ये जो हाइट है हमारी कितनी निकली थी, 110। ऑटोकैड में आ जाते हैं, 110, 30 है यहाँ पे, 30, एंटर। और इसको मैं यहाँ पे नीचे जाके कर देता हूँ ज्वाइन। अगर आप यहाँ से देखेंगे पीडीएफ में तो ये आपको कितना शो करेगा, 70। तो यहाँ पे मैं 10-10 रेडियस लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप गए 10-10 रेडियस में और इसको सेलेक्ट करा, इसको, और 70 मैंने ले लिया। ट्रिम कर दूंगा मैं ये वाला पोर्शन, देखिए ट्रिम हो चुका है, इतना पोर्शन बन चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर वाला पोर्शन क्रिएट करेंगे 8, ठीक है। टोटल 20 है, 5 कम हो गए तो ये 15। 15 के बाद अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना, ये मेंशन नहीं कर रखा है, हम यहाँ से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम आ जाते हैं ऑटोकैड में, यहाँ पे आप गए 8, ये ले लिया। अब इसको मैं पूरा पहले सॉलिड क्रिएट कर रहा हूँ, इसको 20 लेना था, 20 मैंने ले लिया, ठीक है। फिर से आ गए यहाँ पे, ये 108 है हमारा, कितना है, 108। इसको हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद हमने यहाँ से क्या कर लिया, इसको 108 आ गए, 20, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना बन गया हमारा पोर्शन। फिर से हम आ जाते हैं ड्राइंग में। अब यहाँ पे ये देखिए, अब ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिख रही होगी, ये 15 का है, ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 15 की रेडियस है, और 15 का ही यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, डिस्टेंस होगा, ये दिखा रहा है डिस्टेंस, 15 दिखा रहा है, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, इतना होने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे ये जो डिस्टेंस दे रखा है हमें, ये 10 दे रखा है इसका, तो R10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 टोटल हो जाएगा। तो 15 ये, 15 30, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये 20 हो गया, इतना डिस्टेंस हो गया। अब ये जो डिस्टेंस है हमारे पास कुछ गिवन है, 70 गिवन है, ये 30 गिवन है हमें, ठीक है। तो अभी के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई डिस्टेंस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो एक आइडिया ले लेते हैं हम, एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम 25 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से हम इसको निकाल लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे रखा है ऊपर 5 दे रखा है। तो मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये तो जैसे आप देखोगे ये वाला जो है ना, ये जो डिफरेंस है, जो फेस मैं अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको हम 5 लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने ड्राइंग में वापस, और यहाँ से हमने ले लिया R10 का जो डिस्टेंस हमें रखना है, वो कितना रखना है, 25। तो यहाँ पे 25 मैंने कर दिया, एस्केप करा,
टेन, ट्रिम आ गए। अब इसके बाद ड्राइंग में आप आओगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस मैंने कितना बताया था, 15, और आगे का भी कितना है, 15। तो एल एंटर 15, ऑफसेट में गए 15, हो गया ओ एंटर 15 एंटर। एक्स्ट्रा लाइन हमने क्या कर दी, डिलीट कर दी। अब यहां से हमें क्या करना है, चैम्फर लगाएंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाते हैं ड्राइंग में, ये कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस 5 होगा। अब ये 25 है, 25 में से यहाँ पे कितने हो गया, ये हमारा 10, और ये कितना बच गया, 10 के बाद ये जो डिस्टेंस बचा है यहाँ पे, तो 25 में से 10 के कितने बचे, 15। और 15 में से ये वाला जो डिस्टेंस है कितना है, 5, तो कितना बचा, 10। तो हमने यहाँ पे क्या करा, सी एच ए एंटर, डिस्टेंस में गए, पहला डिस्टेंस 10 है, दूसरा 5 है, ठीक है, दे दिया। एक्स्ट्रा लाइन मैंने क्या कर दी, डिलीट कर दी, यहाँ मैं ट्रिम कर देता हूँ, डिलीट कर देते हैं अगर डिलीट कर सकते हैं तो। ये देखिए इतना हो चुका है, अब जो और रह जाता है वो भी हम क्रिएट कर लेते हैं फटाफट से। अब यहाँ पे हमारा बनेगा ये सर्कल, ठीक है, और ये भी बनेगा। इसकी जो डिस्टेंस है वो दे रखी है, हमारे जो सर्कल की डिस्टेंस है वो कितनी है, 25 के डिस्टेंस से बन रहा है वो, तो जो इसका सेंटर एक्सिस है वो 25 है, और कितने का है, 30 का है। तो देखिए क्रिएट कर लेंगे, बहुत आसानी से बनेगा। तो 25 लेना है मुझे डिस्टेंस, ले लेते हैं 25। यहाँ पे आ गए, लाइन ली, एंड पॉइंट लिया 25, ऊपर जाएगा 30 तक, तो 30 ले लिया मैंने। अब बाहर वाला डाया कितना है, 15 है, तो 15 आ गया यहाँ पे, यहाँ तक कर लिया, ठीक है, मिरर ले लिया, इसको कर दिया यहाँ से, और यहाँ से इसको डिलीट, यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया, ट्रिम। लाइन टैप करेंगे लोड, लोड में जा करके ये डॉटेड लाइन मैंने ले ली, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बीच में कोई भी एक लाइन बनाई, यहाँ से मैंने लोड करी डॉटेड लाइन, ऑफसेट मुझे रखना है 10 का, क्योंकि जो अंदर वाला होल है वो आपका 20 का है, तो आधा कितना हो जाएगा उसका, 10। तो इन दोनों को मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं इसको चेंज कर दूंगा डॉटेड में, ये हो चुका है चेंज। अब इसके बाद क्या करना है मुझे, ये बनाना है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है कितना है, अगर आप यहाँ से देखोगे बिल्कुल इसके एंड से चलेगा और ये नीचे तक आएगा, 108 पे ही बन रहा है वो, और जो उसकी हाइट है वो 25 है, क्योंकि 30 में से 5 कम हो रहे हैं यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो। हो गया, देखिए एक्सेल एंटर यहीं कर देना है मुझे, वर्टिकल लेना है, और ये जस्ट फॉर रेफरेंस, एल एंटर यहाँ पे 25, सॉलिड लाइन बनेगी हमारी, तो यहाँ से हम लाइन लेंगे और लाइन टैप कर देंगे, यहाँ से चेंज सेलेक्ट करा 25, और यहाँ तक जाएगी एक्स्ट्रा लाइन, हो गई हमारी ट्रिम। यहाँ से ये लाइन डिलीट हो गई, ये हो गया फ्रंट व्यू हमारा हो चुका है क्रिएट। अब बारी आ जाती है टॉप व्यू की, तो एक्सेल एंटर कर देना है सबसे पहले, तो दो वर्टिकल लाइन लगा लेनी है, एक ये और एक ये, लग चुकी है लाइन। अब हम क्रिएट करते हैं हमारा टॉप व्यू, तो टॉप व्यू की जो बाउंड्री होगी वो टोटल कितनी है, यहाँ पे लेंथ 80 है, तो ये कितनी है, 80 क्रिएट करते हैं, बहुत इजी है, लाइन ले लेते हैं यहाँ पे 80, 80 एंड पॉइंट ले लिया, एक्स्ट्रा लाइन डिलीट, थोड़ा सा मूव ऊपर कर लेते हैं, हो चुका है। अब जो जो हमको लाइन अवेलेबल है दिखेंगी वो मैं बना लेता हूँ,
वर्टिकल, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये आ गई। और कौन कौन सी लाइन अवेलेबल होंगी? सॉलिड लाइन यही है चार, ठीक है। एक ये वाली भी है, बट इसको अभी हम नहीं रखेंगे अभी के लिए। इतना कर लिया हमने, इतना करने के बाद उनको हम कर लेते हैं अभी के लिए ट्रिम, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए, एस्केप कर लिया, टी आर डबल एंटर। हो चुका है। अब इसमें अगर आप देखोगे ना, तो अंदर वाली लाइन अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे अवेलेबल थी, मेरी नज़र पड़ गई, इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ। एक्सेल एंटर करेंगे, एक वर्टिकल लाइन यहाँ बना लेते हैं, यहाँ से वो बनना स्टार्ट होगा। लाइन लेंगे 15, और यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, 15 और 15, इसको मैं पूरा कर लेता हूँ यहाँ तक। 10 10 रेडियस में जाऊँगा, यहाँ से 15 की रेडियस बनेगी। नहीं ले रहा तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं ये बनाना चाह रहा हूँ, तो हम एक काम करके यहाँ पे 15 और एक लाइन ऐसे जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब सेंटर रेडियस में चले जाते हैं, ऐसे जुड़ जाएगा। ये लाइन कर दो डिलीट, और एक्स्ट्रा पोर्शन को कर दो ट्रिम। आप हो चुका है। अब इसको मैं मिरर कर दूंगा, एम आई एंटर। एक्स्ट्रा पोर्शन ट्रिम हो जाएगा हमारा, हो चुका है। लाइन को सेलेक्ट कर लीजिए, डिलीट कर लीजिए, फिर से आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमारा ये क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। उससे पहले मैं ये डॉटेड लाइन क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। बट हमें सर्कल भी क्रिएट करना है, तो पहले सर्कल ही बना लेते हैं, ठीक है। हाफ ये क्या रहेगा, राउंड रहेगा, हाफ वैसे रहेगा। तो एल एंटर यहाँ पे, और 25, एस्केप, यहाँ से डायमीटर हमारा एक बनेगा 20 का, और एक बनेगा हमारा 30 का। हो गया, ट्रिम करते हैं। यहाँ से डॉटेड लाइन सेलेक्ट करेंगे, 20 और एक यहाँ से 30, ये सेंटर रेडियस आ गया। डिलीट कर देते हैं इसको, फिर से ये 30। लाइन टाइप स्केल में जा करके इसका स्केल जो है हम कर देते हैं 0.5, ठीक है। यहाँ से लाइन को डिलीट करा, इस तरीके से दिख रहा है कुछ। अब ये जो है ना, इसकी जो ओवरऑल विड्थ है इसकी, ये 60 है, कहाँ लिखा है, यहाँ पे मेंशन है। तो ये भी क्रिएट कर लेते हैं, ये डॉटेड ही रहेगा पूरा अंदर से, बाहर से सॉलिड रहेगा। तो लाइन ले लेते हैं, एक्सेल एंटर करेंगे सबसे पहले, एक्सेल एंटर, वर्टिकल लाइन। यहाँ से मैं इसको फ्लिप कर लेता हूँ, एक्सेल एंटर, वर्टिकल आ चुका है। एल एंटर, 5 एंटर, यहां तक आपका सॉलिड है। इसके बाद डॉटेड स्टार्ट होगा, तो डॉटेड में हम आ जाते हैं यहां पे। अब कौन कौन सा पोर्शन डॉटेड है हमारा, वो हमें देखना है। तो देखिए, यहां पे ये वाली, यहां तक जो लाइन जा रही है डॉटेड रहेगी, ठीक है, और एक ये वाली डॉटेड रहेगी। बहुत इजी है कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं है। एक्सेल एंटर आप करो, और दो वर्टिकल लाइन खींच दो यहाँ पे, एक वर्टिकल लाइन ये और एक ये, ठीक है। एल एंटर कर दिया,
और इसको पोर्शन को जोड़ दिया, ठीक है। साइड वाले पोर्शन को मैं करूँगा मिरर, किस किस को, यहाँ एक लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये, ठीक है। एम आई एंटर, और ये हो चुका है रेडी। ट्रिम करेंगे अब हम, ये ट्रिम, हो चुका है, और ये हो गया हमारा डिलीट। ये देखिए ये बन के रेडी हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे ये बनाना है हमें मुझे, ठीक है। तो ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, इंटरसेक्शन यहाँ पे है, तो एक्सेल एंटर करेंगे, वर्टिकल यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे एल एंटर करना है, बिल्कुल यहाँ से लेना है, ये ले लिया और एक ये ले लिया, टी आर डबल एंटर, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, यही है ना, बिल्कुल यही है, ये बन गया। अब हमें साइड व्यू बनाना है, बहुत इजी है, सबसे इजी है हमारा ये साइड व्यू। तो आ जाते हैं, एल एंटर, बिल्कुल इसके अलाइन जाएंगे, सबसे पहले लाइन टाइप चेंज, अस्सी, 25, फिर 80, फिर 25, हो गया। इसके बाद ये 60 का रहेगा, और कितना रहेगा, 110, फिर उसके ऊपर ये बनेगा 20 का, 80 का, फिर एल एंटर, बीच में से लिया 30, ऊपर 110, बन गया। फिर यहाँ पे ये ओवरऑल कितना है आपको पता है, यहाँ पे आप गए तो जो ऊपर वाला पोर्शन है आपका, ये वो भी 80 का ही है आपका, ठीक है, और 20 का है, तो वही सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाली लाइन, ये वाला और पॉइंट, और ये वाला पॉइंट बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, ये 20, सेम 80, बीस, ठीक है, 60 है, तो यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, एंटर, ये लाइन डिलीट, और यहाँ से एल एंटर कर दिया मैंने, ये हो चुका है रेडी। इसके बाद यहाँ पे बनेंगे हमारे ये सर्कल्स, जो कि एक हाइट तक एक्सट्रूडेड है, तो एक्सेल एंटर करना है सिर्फ, या फिर हम सीधा बना देते हैं डायरेक्ट, 30, 15, ये बन गया, ये मिरर हो जाएगा, और यहाँ से हमें क्या उठानी है, डॉटेड लाइन, ऑफसेट कितने का रखना है, 30 और 20, ये 5 का हो गया, सेलेक्ट, डॉटेड हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो इंटरसेक्शन है, वहां से एक लाइन जाएगी, हॉरिजॉन्टल जाएगी, हो गया, सेलेक्ट, और यहां से बाई लेयर, हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या होगा, ये डॉटेड लाइन आएंगी और एक ये आएंगी, ये 15-15 का है, तो यहाँ पे हमारा जो है ना ऑफसेट, वो 15 ही आ जाएगा, तो ये और ये हो गया, ट्रिम,
ये हो गया, और एस्केप यहाँ से कर देंगे हम, यहाँ से डिलीट कर देंगे। यहाँ पे हम गए एक्सेल एंटर में, और हॉरिजॉन्टल एक ये वाली लाइन है, ठीक है, एक ये वाली लाइन है, दो डॉटेड लाइन आएंगी, दोनों डॉटेड लाइन यहाँ पे आ चुकी है, इसमें एक डॉटेड लाइन यहाँ पे आएगी, वो हम ला चुके हैं। अब हम कर देंगे ट्रिम, और ट्रिम होते ही हमारी जो ड्राइंग है वो हो जाएगी कंप्लीट। ये और ये, ठीक है, बाकी की जो लाइन है वो हमारी हो चुकी है क्या, डिलीट। तो ये जो हमारी ड्राइंग है वो हो चुकी है कंप्लीट। एक्सरसाइज नंबर 6, हार्ड नहीं थी इतनी, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट था समझना। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो, अगर वीडियो समझ में आती तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।